आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना टूट गया है। इससे ज्यादा मलवा तो कल मैं फेंक चुकी हूँ। आगे से दिखाती हूँ, ये मेरी ना एसी है ना, एसी के नीचे वाला है। मतलब ये एक ऐसी अलमारी टाइप थी जो आधी कल गिर गई थी बहुत तेज की, उसकी पिक्स मैं इसमें ऐड करूँगी, देखना आप। आज तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। फ्रेंड्स जो बची कुची दीवार थी ना, वो इस मिस्त्री ने और तोड़ दी ताकि इसके ऊपर प्लास्टर अच्छे से हो सके। चलो चलते हैं फिर। ये डाल रहा है पानी ताकि वॉल गीली कर सके और हमारे कमरे में कीचड़ कर सके। तो फ्रेंड्स अब ये मार रहा है सीमेंट दीवार पे, क्योंकि उल्टा प्लास्टर है ना, तो ये कह रहा है फिर सीमेंट चिपकेगा। अब इसने सीमेंट फैला दिया सारा, आधा ज़मीन पे टाइलों पे, आधा वॉल में। मैंने इसको एक कट्टा भी दिया था कि भाई भैया इस पे रख के कर लो प्लीज, पर ये ना अड़ियल दिमाग के होते अपने हिसाब से काम कर रहा है। कोई नहीं, काम करवाना भी ज़रूरी है मुझे। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। कल मैंने एसी की दूसरी बार कराई सर्विसिंग, पता नहीं एसी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था, तो एसी का जो स्टेपलर होता है वहाँ लगा रहता है, वो भी अचानक से ख़राब हो गया। पता नहीं क्या हुआ, कह रहे उसमें अचानक से ना स्पार्क उठने लग गया इस वजह से। जैसे हमने एसी का ठीक कराया, ये निकाला स्टेपलाइजर, वैसे ये दीवार धड़ाम गिर गई। अब दीवार का काम भी बढ़ गया और ये भी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरा सैटरडे कैसा निकल रहा है। देखो मेरा काम कितना बढ़ गया है, और अभी रूम के हिसाब से ये वाली वॉल बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गई है। अब सोचना पड़ेगा कि यहाँ क्या करें। वाइट हम दोनों बैठे हुए ये दीवार देख रहे हैं कि काम कैसा चल रहा है। साथ साथ घर का पूरा फैल गया है बेड भी। क्या करें, घर में कुछ काम होता है ना तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। आपकी क्या राय है इसमें, कुछ कहना चाहते हैं? कह रहे जो भी करेगा मिस्त्री करेगा, हम क्या करेंगे, सब सफाई करें। हमने करनी है सफाई और कुछ नहीं। हमने मास्क इसलिए लगा रखा है क्योंकि बाहर से आ रखे दो लोग, बस इसलिए मास्क लगाना जरूरी है। और साथ साथ ये सीमेंट का बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ रही है इसकी, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा। देखते हैं उसको थोड़ा ठंडा दे देते हैं, भैया को देते हैं ठंडा, ताकि वो पिएगा ठंडा, हो जाएगा ठंडा, फिर काम करेगा जल्दी जल्दी। फ्रेंड्स लेबर जा चुकी है, मैं दिखाती हूँ अब कैसे हो रखा है ये मेरा रूम। देखो आप, बिल्कुल मैसी। दिखाती हूँ उसने कैसा किया। मोटा मोटा सीमेंट मैंने उससे भैया से उठवा दिया है, हम देख सकते हैं मेरा रूम कैसा हो गया। माइक पॉड उसने, वो कह रहा है कि नीचे की तरफ उल्टा प्लास्टर होता है, तो रुक नहीं रहा उसने भी ऐसे ही किया है। अभी एक बार उसको दोबारा बुलाना पड़ेगा क्योंकि अभी सिर्फ ऐसे ही हो रखा है। मैं दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल जरा जरा सा रुक रहा है, देख सकते हैं आप। आप सोच रहे हो ये धमाका कैसे हुआ। मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ। एसी वाला आया था, एक तो बड़ा हड्डी था, दो जने थे वो यहाँ पर एसी ठीक कर रहा था, एक दूसरे धड़म
एकदम से धड़म कर कैसे कर डम कर गिर गया। वो हड्डी का था ना फटाफट बाहर गेट से बाहर आ गया, फिर दोबारा अंदर चले गया। उसको लगा कि हम उसको कहेंगे भैया तूने गिरा दिया, पर हमने नहीं कहा क्योंकि कोई भी चीज कोई जानबूझ के नहीं करता। हाँ एक्सीडेंटली हो जाता है कुछ ना कुछ, इसलिए उसके भी ऐसे हो गया, पर हमने उसे पीछे काम लगा कोई बात नहीं हम करा लेंगे। इसलिए अब ये काम बहुत ज्यादा फैल गया है, हम देख सकते हैं, है ना गुन्नू? यस गाइस, वैसे हम तो रोज पार्ले जाते लेकिन कल हमारा मिस हो गया। आज भी मिस हो गया, कल हम मोटे की मोटे रह गए, आज भी मोटे की मोटे ही रह गए। क्योंकि हम इस टाइम बच्चों को ले जाते हैं पार्क, इसलिए हम दो दिन से पार्ले नहीं जा पा रहे, और सालवी का मन कर रहा है पर बहुत ज्यादा जाने का जा नहीं सकते क्योंकि काम फैला हुआ है इस वजह से। और साथ ही साथ गाइस वहाँ पर मेरे फ्रेंड्स हैं, बड़े हैं वो, बड़े बच्चों के साथ खेलते हैं और उनके साथ में खेलने के बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। कोई नहीं, कल चलेंगे ना, तुम्हें थोड़ा काम करवाना। कल मैं टॉयलेट चलूंगी, हाँ कल एक गेम बना के चलूंगी, वो गेम पता है, फिर मैं कल दिखाऊंगी मैं किसके साथ खेलती हूँ। और उधर हम खेलेंगे बड़े सारे गेम, बड़े सारे तो नहीं, दो ही या फिर तीन ही खेलेंगे। और तो फ्रेंड्स करते हैं अब सफाई, आप देख सकते हैं कितना फैल गया है, मेरी बेड की भी उसने बिल्कुल रेड मार दी। अब मैं क्लीनिंग करती हूँ, फिर मिलते हैं, और फिर फाइनल दिखाएंगे।